गुड मॉर्निंग क्लास विथ, वेलकम टू योर सोशल स्टडीज़ क्लासेस। हम लोग यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 कर रहे थे, विच इज़ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो एंड स्टार्टिंग विद द टॉपिक इकोनॉमी। देखिए बच्चों, इकोनॉमी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पर देखिए, जो DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के जो लोग हैं, वो ज़्यादातर फॉरेस्ट्री, फिशिंग, कैटल रेयरिंग एंड एग्रीकल्चर में एंगेज हैं। यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन जो है वो एग्रीकल्चर है, और यहाँ के जो एग्रीकल्चर के मेथड्स हैं वो बहुत ही ट्रेडिशनल हैं एंड प्रिमिटिव हैं, मतलब अनडेवलप्ड हैं। द मेन क्रॉप, यहाँ पर जो मेन क्रॉप है वो है कसावा, मेज़, बनाना एंड राइस। ये यहाँ की मेन क्रॉप्स हैं। कसावा इज़ द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल, मतलब जो मेन फूड जो है यहाँ के लोगों का वो कसावा है। अ फ्यू कैश क्रॉप्स, यहाँ पे कुछ कैश क्रॉप्स, मतलब जो फसलें बिजनेस के काम आती हैं, जैसे कोको, कॉफ़ी, टोबैको, रबर, ऑयल पाम एंड कॉटन, तो ये क्रॉप्स भी यहाँ पर उगाई जाती हैं। DRC हैज़ ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड, और यहाँ पर गोल्ड, डायमंड, कॉपर, कोबाल, मैंगनीज और टिन के बहुत ज़्यादा डिपॉजिट्स हैं। देयरफोर मेनी पीपल आर एंगेज्ड इन माइनिंग, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे लोग माइनिंग के काम में भी एंगेज हैं। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज़, और ज़्यादातर जो मिनरल्स यहाँ मिलते हैं उन्हें दूसरी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। दूसरी इंडस्ट्रीज़ जो DRC में है वो हैं टेक्सटाइल्स, टोबैको एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। दे आर लोकेटेड इन मेजर सिटीज़ ऑफ किनशासा, और यहाँ पर जो मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं वो कहाँ कहाँ पर लोकेटेड हैं, किनशासा, लुबुम्बाशी, ब्राज़विले एंड मटाडी। ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बिल्ड रोड्स एंड रेलवेज ऑन द लैंड, यहाँ पर रोड्स और रेलवेज लैंड पर बहुत मुश्किल है बनाना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा घने जंगल हैं, इसीलिए कंट्री के कुछ ही पार्ट्स में रोड्स और रेलवेज डेवलप हो पाए हैं। लेकिन यहाँ रिवर्स का नेटवर्क बहुत अच्छा है, और इसीलिए चीफ मोड, मतलब मेन जो तरीका है ट्रांसपोर्ट का, वो वाटर ही है। एयर ट्रांसपोर्ट इज़ ऑल्सो वेरी एफिशिएंट, और यहाँ पर एयर ट्रांसपोर्ट भी बहुत एफिशिएंट है इस रीजन के अकॉर्डिंग। लाइफ ऑफ द पीपल, DRC इज़ थिनली पॉपुलेटेड, यहाँ पर पॉपुलेशन कम है। मोस्ट ऑफ़ द पीपल, यहाँ के ज़्यादातर लोग जो हैं वो रूरल एरियाज़ में रहते हैं, और मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन बिलोंग्स टू बंटू ट्राइब, और यहाँ की ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो बंटू ट्राइब से है। द बंटू पीपल, जो बंटू पीपल होते हैं वो बहुत ही लंबे होते हैं, और उनके जो हेयर्स हैं वो काफ़ी कर्ली होते हैं। जो घने जंगलों में रहने वाले लोग भी हैं यहाँ पे, जिन्हें हम पिग्मीज बोलते हैं। बम्बूटी और मबूटी, अ ग्रुप ऑफ पिग्मीज, इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव ट्राइब्स इन द वर्ल्ड, और ये जो दो ट्राइब्स हैं, बम्बूटी और मबूटी, तो ये जो ट्राइब्स हैं वो बहुत ओल्ड ट्राइब्स हैं, मतलब संसार के सबसे पुरानी ट्राइब्स में से हैं। दीज पीपल आर वेरी शॉर्ट, और इनकी लोगों की जो हाइट है वो बहुत ही कम होती है। ये बहुत अच्छे हंटर्स होते हैं, और यहाँ की लाइफ नोमैडिक है, मतलब बहुत ज़्यादा पुराने स्टाइल से लोग जीते हैं। लाइक मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका, द DRC इज़ प्रोग्रेसिंग फास्ट। एशिया और अफ्रीका की ज़्यादातर कंट्रीज़ की तरह DRC भी बहुत जल्दी से प्रोग्रेस कर रहा है, और यहाँ के जो लोग हैं वो मॉडर्न वे ऑफ लिविंग को अडॉप्ट कर रहे हैं। दस इट इज़ ऑन द रोड ऑफ प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, और इस तरीके से यहाँ प्रोग्रेस और डेवलपमेंट शुरू हो गए हैं, ये डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आगे आपको अपने एक्सरसाइजेस फिल करनी है, सो दैट विल बी प्रोवाइडेड इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, बाय।